नमस्कार, आपका स्वागत है गोंदिया न्यूज अपडेट पर। मैं हूं सुशील कुमार। शुरुआत करते हैं आज से बड़ी खबरों के साथ। गढ़चिरौली परिक्षेत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटिल ने कहा कि नक्सली गतिविधियों पर रोकथाम व उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से मिशन MMC शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत सालेकसा तहसील के अति संवेदनशील क्षेत्र मुकुर दंडारी में संयुक्त रूप से 3 राज्यों से मिलकर SOP का निर्माण किया है। 13 फरवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में मंत्री परिषद यह बोल रहे थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विष्णु पानसरे, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी उपस्थित थे। पाटिल गढ़चिरौली परिक्षेत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक का पद भार स्वीकारने के बाद जिले के दौरे पर पहुंचे थे। पाटिल ने बताया कि चोरी और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा दल तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड सुरक्षा दल पूर्वक की भांति स्तर पर पुलिस मित्र समिति तैयार की जाएगी। गोंदिया जिले में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नए तकनीकी के माध्यम से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकास सवा शिक्षा के माध्यम से निरंतर प्रयास जारी है। गोंदिया न्यूज से उमेश चतुर्वेदी के साथ सतीश पारदी की खास रिपोर्ट। डिसेंट्रलाइज करेंगे अभी नवेगांव, सालेकसा, केशोरिया जो डीप गांव में है। तो हमने अभी जस्ट आया हमको कि 15 कंपनी, आपको लिस्ट भी भेजता हूँ, ये 15 कंपनी ने इनका विलिंगनेस, हमने उनको पत्र लिखा था कि कितना वैकेंसी है, कौन सा एजुकेशन क्राइटेरिया और कितना सैलरी मिलेगा। ये हमको अभी जस्ट लिस्ट आया है कि 15 कंपनी रेडी है, हमारे गोंदिया जिले में आके कैंप लगाएंगे। तो 16 तारीख को देवरी से शुरू हो रहा है, 16 देवरी, 17 नवेगांव, उसके बाद सालेकसा, केशोरी, ऐसे राउंड बाय राउंड नेक्स्ट वीक से ही चालू हो रहा है। कुछ नहीं रहता से गांधी चौक में प्रतिदिन पुलिस की जरूरत रहती, लेकिन वो रहता है, लेकिन वो वही नहीं रहता। अभी इनके अग्रवाल जी के सामने 3 बैंक है, आगे वाले में 2-3 बैंक है, वहां पे इतनी भीड़ होती है सर, पार्किंग की बराबर जगह नहीं, ऑटो वाले करते हैं। लास्ट टाइम मीटिंग में सर बताया कि बहुत समस्या थी, वो गांधी प्रतिमा से जयस्तंभ चौक के बीच में इतनी परेशानी होती है बहुत। उसके बाद में इधर रानी होती है चौक है, वहां पे भी ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है, नागरिकांना कलमांची माहिती नाही। अशा परिस्थितीत मला असं वाटतं की किमान एका पोलीस स्टेशनकडून एक शाळेत सेमिनार घ्यायला पाहिजे। महिन्यातून एक वेळा तरी एका पोलीस स्टेशन अंतर्गत एका शाळेला सेमिनार घेतला, 10वी नंतर, माध्यमिक नंतर पुढे, तर त्याच्यामुळे सर एक समन्वय निर्माण होईल, युवकांमध्ये एक जनजागृतीच्या त्यांच्या कलमांच्या संदर्भात, पोलिसांसंदर्भात असलेली भीती आणि मित्रतेचे वातावरण निर्माण होईल। आज घडीला सर्वात जास्त गुन्हेगारी कुठे वाढत असेल तर ही युवकांमध्ये वाढत आहे सर, आणि ही युवकांमधील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी हा महत्वाचा ठरेल असं मला वाटतं। विकास, संवाद, शिक्षण, कौशल्य विकास, या सगळे जे काम आहेत ते त्या पद्धतीने होत चाललेले आहेत। पण सर एक राज्य सरकार आहे, केंद्र सरकार आहे, त्यांच्याकडून त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही हे जे जिल्हे आहेत जे खूप जास्त नक्षलग्रस्त आहेत त्याला नक्षलमुक्त करण्याकरता प्रयत्न करता। तुम्ही सांगितलं की आता स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड, याचा तुमचा समन्वय असतो आणि त्या माध्यमातून तुम्ही काम करता।